वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से या जगह से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। इस कहानी की नकल करना या किसी पहाड़ी या जंगल में साहस करना जानलेवा हो सकता है। मेरे बैग में एक स्लीपिंग बैग है, ग्लव्स है, खाने की चीज़ें छोड़ के मेरे पास पानी है और रस्सी है। रस्सी के साथ मेरे पास टॉर्च, माचिस, और जंगल में प्राय हमेशा देखे जाते हैं कि मॉस्किटो होते हैं, तो मॉस्किटो से बचने के लिए मेरे पास ये चीज़ है जिससे मैं अपने जेब में रख लेता हूँ। ये बैग आपको इस जंगल में सर्वाइव करने के लिए बहुत अहम चीज़ होती है। ये अपने साथ होगा तो ही आप इस जंगल में सर्वाइव कर सकेंगे। तो चलते हैं रास्ता ढूंढने के लिए। अभी दिशाएं तो मुझे पता नहीं है, पर अब दिशाएं ढूंढते हुए मैं निकल पड़ा हूँ अपनी राह पर। चलता हूँ जंगल। जंगल यानी चारों ओर घना पेड़ पौधों का जंगल। इस जंगल में आपको सर्वाइव करने के लिए आपकी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत अंदर से आना चाहिए। पथरीला रास्ता है, इस पर चढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है। रास्ता खोजने के लिए मुझे सबसे पहले अभी पहाड़ पर चढ़ना होगा। पहाड़ पर ही चढ़कर मुझे दिशा का अंदाजा होगा, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं, ये ढूंढने के लिए अब मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा हूँ। देखते हैं कितनी दूर है। यहाँ सब भी और पथरीला रास्ता है और सागौन से लेके बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पर जंगली जानवर का भी बहुत खतरा है। इन सब खतरों को संभालती हूँ मैं अभी पहाड़ी की ओर। पथरीली रास्तों पर पेड़ों के सहारे चढ़ रहा हूँ। देखते हैं कितनी दूर है। रास्ता बहुत ही पथरीला है और इस पथरीले रास्ते पर से चलना बहुत कठिनाई भरा रास्ता है। चारों ओर घना जंगल है। पथरीले रास्तों पर पैर फिसल जाते हैं। इन पैर फिसलने पर अपने आप को संभालना पड़ता है।
इस पहाड़ की सबसे बड़ी ऊंचाई पर खड़ा हूँ। इस ओर तो गहराई आ गई है और मेरे हिसाब से दक्षिण की ओर पानी दिख रहा है, नज़ारा मुझे दिख रहा है। पूरा कोहरा है, धुंध दिख रही है। देखता हूँ अभी दक्षिण की ओर जाया जाए, अब वही एक रास्ता है। अब काफी थक चुका हूँ मैं, शाम होके आ रही है, थोड़ा बैठा जाए। काफी थकान हो चुकी है, प्यास लग गई, तो पानी पी लेते हैं। शाम हो गई अगर फिर भी रास्ता नहीं मिला, रास्ता नहीं मिलने से यहीं रुका जाए, उसके सिवा कोई अब पर्याय नहीं। पर जंगल में जानवरों का खतरा है, इसलिए अलाव जलाया जाए। अच्छा है मैंने माचिस ला चुका हूँ, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। साथ लाई हूँ चीजें, चेक कर लिया मैंने, अब यही रुक जाता हूँ आज के लिए।
यहाँ जंगली जानवर से बचने के लिए चाकू ला चुका हूँ। और मेरे पास रात में घूमने के लिए टॉर्च भी है, चालू है। ओके, तो आज मैं यहीं रुक जाता हूँ।